सब्सक्राइब करें इंडियन आर्ट चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन आर्ट। तो आज हम गोपाल जी के लिए मुकुट बनाना सीखेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाया था, तो उसी के मैचिंग का आज हम पगड़ी बनाना सीखेंगे। तो चलिए पगड़ी बनाना देखते हैं। तो इस पगड़ी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए आपको घर पर ही मिल जाएंगी। तो ये हमें यहाँ पर सबसे पहले ये कार्डबोर्ड शीट चाहिए। तो आप यहाँ पर कोई भी नोटबुक का कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। हमें इस तरीके से बुकरम का पीस चाहिए और वही फैब्रिक जो हमने पिछले अपने ड्रेस में यूज़ किया था, वही फैब्रिक हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और उसके साथ नीचे लाइनिंग भी चाहिए हमें। और जो लेस मैंने अपने ड्रेस में यूज़ की थी, वही मैं यहाँ पर इसको हल्का सा डेकोरेट करने के लिए यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इस तरीके की घोटा पट्टी या फिर मोर पंख से भी इस मुकुट को डेकोरेट कर सकते हैं। और हमें चीज़ों को एक साथ पेस्ट करने के लिए फैब्रिक ग्लू चाहिए। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ हमें अपना ये सुंदर सा मुकुट तैयार करना है। तो चलिए मुकुट बनाना देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मुकुट का बेस तैयार करना है। तो बेस तैयार करने के लिए आपको इस तरीके से कार्डबोर्ड शीट कट करनी है। तो ये हमारे गोपाल जी के सर पे इस तरीके से नाप के आपको इसकी गोलाई लेनी है। जितने भी आपके गोपाल जी का साइज़ है, उस हिसाब से आप इसे नाप लीजिए गोलाई में उनके सर पर इस तरीके से। और उसी हिसाब से आपको चौड़ाई भी लेनी है। आपको उनके माथे से थोड़ा सा ऊँचा इसमें कटिंग देनी है। और इस तरीके से ये हम स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम इसमें जैसे हर बार वी शेप ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही हमें इसमें बीच में वी शेप ड्रॉ करना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से जब हम इसे यहाँ पे पीछे पेस्ट करेंगे तो ये आगे गोपाल जी के माथे पर आएगा। तो इसी तरीके से हमें इसको कटिंग देनी होती है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये लाइनिंग लेनी है। मैं यहाँ पर ये अस्तर इसलिए पेस्ट कर रही हूँ जिससे गोपाल जी को सॉफ्ट रहे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये बिल्कुल इसके साइड में इसी की शेप में रखते हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए इसको मार्क करना है। और फिर हम इसकी एक्स्ट्रा की कटिंग कर देंगे इसमें से। तो यहाँ से मैं ये एक्स्ट्रा कट कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको हमें ऊपर की तरफ से पहले पेस्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ से हम इसमें कटिंग देंगे जिससे हम इसे अच्छे से इस पर पेस्ट कर पाएँ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर इसको कट लगा दिया है। अब इसे भी पेस्ट कर देंगे हम। तो देखिए हमने इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। तो कॉर्नर को मैंने इसको थोड़ा ओपन ही रहने दिया है क्योंकि यहाँ पर हम इसको अच्छे से बाद में पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अब हम इसे यहाँ पर पीछे की तरफ अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सुई धागे की मदद से भी टांग सकते हैं अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको सिलाई करके दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि हमारे पास ग्लू गन नहीं है तो हम इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बिना ग्लू गन के खाली फैब्रिक ग्लू और सुई धागे को यूज़ करके बनाना बताया है। तो देखिए इस तरीके से हमने अपना बेस तैयार कर लिया है। अब हम इसे ऊपर की तरफ से भी कवर करना है। तो कवर करने के लिए इस तरीके से हम इसको मार्क करेंगे और उसको कट कर लेंगे हम। इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे इस पर। देखिए हम इस कार्डबोर्ड को भी इसके लाइनिंग की मदद से अच्छे से कवर कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से ग्लू लगा के इसको भी पेस्ट कर लिया है। इसे पेस्ट करने के बाद अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया है मुकुट का। तो अब हमें वही फैब्रिक लेना है जो हमने अपनी ड्रेस में यूज़ किया था और उसमें हमें इस तरीके से प्लेटें डालनी है। तो ऊपर से पहले इसको ऐसे प्लेट करके फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से हमें इक्वल प्लेटें डालनी है इस तरीके से। तो पहले मैं इस पर हल्का ग्लू लगा के उसको इस तरीके से सेट कर लूँगी और फिर ऊपर से मैं इसको प्रेस कर दूँगी।
इस तरीके से करने के बाद अब मैं इसे ऊपर से प्रेस लगा लूंगी। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है, तो अब मैं इस बेस के साथ इसको अटैच कर दूंगी। तो उसके लिए हम इसको यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसको पहले सिलाई भी कर सकते हैं, जिससे ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी ग्लू लगा के इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको यहाँ तक ले लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा इसको हम कट करेंगे और यहाँ पर इतने तक हम इसे रखेंगे, जिससे हम इसको बाद में सिलाई कर सकें। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये अपना इस पर इस कपड़े को कवर कर दिया है, और पीछे से हमने जो यहाँ पर ये कपड़ा रखा है इसको हम टाक लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको पीछे टाक लिया है। अब हम इसे ऊपर की तरफ से लेस की मदद से डेकोरेट करेंगे। तो हम इसको यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से एकदम टर्बन वाला लुक देते हुए यहाँ तक इसको इस पर अच्छे से पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को हम इसमें से कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा बहुत सुंदर सा टर्बन वाला लुक आ गया। आप चाहें तो इसे ऐसे भी पहना सकते हैं। मैं इस पे ऊपर से कलकी तैयार करूँगी। तो कलकी बनाने के लिए हमें इस तरीके से बुकरम का पीस लेना है और उसको हम इस तरीके से फैब्रिक की मदद से कवर कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर सिलाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। इस तरीके से मैंने इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब मैं इसे ग्लू की मदद से इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी अच्छे से, और इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करना है हमें। देखिए इस तरीके से हमने इसको कवर कर लिया है। ऐसे कवर करने के बाद अब हम इसमें ऊपर ये लेस लगाएंगे जो हमने अपनी ड्रेस में यूज़ की थी। तो मैं यहाँ पर ये सिंपल वाली लेस यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ से सिलाई कर लूँगी इस पे से, और एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा निकला हुआ है इसको भी फोल्ड करके मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको सिलाई कर लूँगी। तो ऐसे मुझे इसके चारों तरफ इस लेस को अच्छे से लगा देना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से इस तरीके से चारों तरफ इसके लेस लगा दी है, और नीचे से हम इसको कलकी की शेप देंगे। तो हमें इसमें सिंपल प्लेटें डालनी है इस तरीके से। आप चाहें तो इसे और हैवी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसमें प्लेटें डालने के बाद इसमें हमारे कलकी वाला शेप आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ से हम इसको अच्छे से सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमने नीचे से इसको सिलाई लगा लिया है, और जो मेरा एक्स्ट्रा इसमें बचा हुआ है कपड़ा इसको नीचे की तरफ से हमें कट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी सुंदर सी कलकी बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे इसके साथ अटैच करेंगे, लेकिन इस साइड हमारा ये जो स्पेस है इस पर यहाँ पर मैं मोर पंख इस पर अटैच करूँगी। तो अब हम मोर पंख तैयार कर लेते हैं अपना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये मोर पंख लेना है, उसको नीचे से कट कर लेना है। इस तरीके से कट करने के बाद जिस भी शेप में आप इसको लगाना चाहते हैं उस शेप में आपको अपने कार्डबोर्ड पे कटिंग देनी है इस तरीके से। तो आप चाहें तो इसको छोटा कटिंग देके छोटा भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए हमने इसको यहाँ पर कार्डबोर्ड को कट कर लिया है। तो इस तरीके से अब हम इसके पीछे इसको ग्लू से पेस्ट कर लेंगे। तो एकदम अच्छे से हमने इसको बीच में यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब इसमें से हमें एक्स्ट्रा को कटिंग करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसके चारों तरफ यहाँ पर स्टोन चेन से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। देखिए इस तरीके की स्टोन चेन है मेरे पास, तो मैं इसको इसके चारों तरफ लगा दूंगी। तो देखिए तब तक हमारा मोरपंख सूख रहा है, हम इस कलकी को इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इसको इस अटैच करना है। तो यहाँ पर हम इसको सिलाई करके सुई धागे की मदद से अच्छे से इस पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे से टांग लिया है। अब इस तरफ भी हम इसको सिलाई कर देंगे। तो ये बहुत आराम से इस पे अच्छे से सिलाई हो जाएगा। तो आपको इसमें ग्लू गन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, और ये नॉर्मली ऐसे ही बन गया है। तो आप अपना मुकुट ये सिंपली ऐसे तैयार कर सकते हैं।
तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से टाक लिया है। अब हमें साइड में ये अपना मोर पंख लगाना है। देखिए इस तरीके से हमारा ये सुंदर सा मुकुट बनके बिल्कुल रेडी है। और इसमें हमने ज़्यादा कुछ यूज़ भी नहीं किया है, सिंपली हमने इसे लेस और कपड़े की मदद से बनाया है। तो आपको ये मुकुट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।